पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम भाग में मुलावा मुठा नामक दो नदियों के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे पूरब का ऑक्सफो या क्वीन ऑफ द डेक्कन जैसे नामों से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर है। यह भारत का सबसे तेज विकसित होने वाला शहर है। प्रेम छत्रपति शिवाजी महाराज का यह ऐतिहासिक नगर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी है, जो की हर सुख सुविधा से भरा हुआ है, जो लगभग 15,642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, इस शहर को सदाचार का शहर भी कहते हैं। यहाँ के शॉपिंग मॉल, चौड़ी सड़कें, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर, पार्क, सरकारी ऑफिस देखकर आपको इंडियन होने पर प्राउड फील होगा। दोस्तों, वहीं पुणे का इतिहास भी बेहद प्राचीन रहा है, जिस वजह से यह शहर ऐतिहासिकता और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ स्थित ऐतिहासिक किले, खूबसूरत समुद्र तट, प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और कई बहते हुए झरने इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। फ्रेंड, वहीं वर्तमान में पुणे आईटी हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसलिए पुणे भारत का डेट्रॉइट जैसा लगता है। पुणे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई महानगर के बाद पुणे में ही सर्वाधिक औद्योगिक स्थापित है। विश्व में सर्वाधिक दुपहिये बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो पुणे में है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग यहाँ है। 1990 के दशक में इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, सिमेंटेक और IBM जैसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे में अपने केंद्र खोले, और यह शहर भारत का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। वहीं दोस्तों, पुणे की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पुणे जिले की जनसंख्या लगभग 94 लाख है, तथा इस शहर की साक्षरता दर 87.19% है, और इस शहर में मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी के अलावा अंग्रेजी और हिंदी भाषा भी यहाँ अच्छी खासी बोली जाती है। पुणे में वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रेलचेल भी होते रहते हैं। यहाँ संगीत, कला, साहित्य की भरमार है। इसके अलावा पुणे में बहुत सारे उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान, शोध केंद्र के साथ साथ खेल, योगा, आयुर्वेद और समाज सेवा आदि से जुड़े अनेक संस्थान भी है। दोस्तों, पुणे में अनेक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी है, जिसमें मराठी, हिंदी व हॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती है। फ्रेंड, वहीं इस शहर का इतिहास की बात करें तो करीब 1000 साल पहले पुणे को पुण्य नगरी नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे पुण्य फिर पुनवडी व ऐसे ही नाम बदलते बदलते मराठा साम्राज्य के काल खंड तक पुणे हो गया। फ्रेंड, वहीं ब्रिटिश शासन काल में इस शहर को मानसून कैपिटल भी कहा जाता था, क्योंकि यहां कई सारे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी मौजूद है, जो अपनी खूबसूरती से हर साल देश और दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शहर में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की भरमार है। यहां का आगा खान पैलेस, शिंदे छतरी और सिंगर का देहाती किला आकर्षक स्थल है। ये सभी स्थल अपने युग की दास्ता बयां करते हैं। पुणे का उशो कम्यून इंटरनेशनल सेंटर काफी प्रसिद्ध है, जिसे रजनीश उशो द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ की कारला और भाजा की बौद्ध गुफाएं भी यात्रा के लायक है। फ्रेंड, यहाँ का पटलेश्वर मंदिर काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है, जिसे चट्टानों को काट कर बनाया गया था। यह मंदिर करीब 1400 साल पुराना है। इसके अलावा यहाँ प्रकृति प्रेमियों के लिए सरस बाग और बंद गार्डन है, जहाँ परिवार के साथ शाम का समय बिताया जा सकता है। इसके साथ ही पुणे के स्थानीय व्यंजन भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की पूरन पोली, पिटाला, चाट और भाजी काफी प्रसिद्ध है, जो आपके मुंह के स्वाद को चटपटा और मजेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। फ्रेंड, यह शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेंगलोर पुणे मुंबई मार्ग पर है, और भारत की राजधानी दिल्ली से 1452 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।